हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेम्बला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि आपके चार्ट में आपका लाभ भाव, जहां से आप इनकम जनरेट करते हैं, उस पैसे का खर्चा कहां हो रहा है, वो पैसा कहां जा रहा है, क्या वो सेविंग्स में जा रहा है या और कहीं खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। कई बार आपने ये देखा होगा कि कुछ लोगों के पैसा ज्यादा कमाने के बावजूद भी पैसे में बरकत नहीं रहती, पैसे में सेविंग्स नहीं रहती, या पैसा कुछ ऐसे होल्स में से निकलता रहता है जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज हम इसी टॉपिक पे आपको कुछ इंडिकेशंस देंगे अपनी चर्चा में, जिससे आप किसी के भी चार्ट को देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि इंसान की, एक पर्टिकुलर इंसान की जो कमाई है, जो इनकम है, चाहे वो बिजनेस से है या नौकरी से है या और किसी चीज से, वो इनकम जा कहां रही है, उसका खर्चा कहां ज्यादा हो रहा है, या कौन से ऐसे होल्स बने हुए हैं जिसमें वो पैसा खराब होता चला जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि सबसे पहले हमारी जो इनकम का भाव है, लाभ भाव है, वो 11th हाउस है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं सेकंड और 11th हाउस में। सेकंड हाउस हमारा इनकम का भाव नहीं है, सेकेंड हाउस हमारा सेविंग्स का भाव है, यानी जो पैसे की हम सेविंग्स करते हैं, वेल्थ को एक्यूमुलेट करते हैं, या हमारे जो एसेट्स होते हैं उसका भाव है। 11th हाउस से हम डे टू डे इनकम देखते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो हम पैसा कमाते हैं, वो 11th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस से इसके अलावा और भी कई चीजें देखते हैं, यानी कि हमारे जो डिजायर्स हैं या जो विशेस हैं वो भी देखते हैं, और हमारे बड़े भाई बहनों को भी हम 11th हाउस से देखते हैं। क्या हमारी इच्छाएं जीवन में पूरी होंगी, वो हम 11th हाउस से ही देखते हैं। हमारा जो नेटवर्क सर्कल है, पर्टिकुलरली प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, वो कैसा रहेगा, क्या वो सपोर्टिव रहेगा, क्या वो हमें सपोर्ट करेगा, या हमारी टांग खींचेगा, या हमारी, हमें ह्यूमिलेट करेगा, हमारी इंसल्ट करेगा, या हमारी इज्जत को बढ़ाएगा, ये भी हम 11th हाउस से देखते हैं। और 11th हाउस से हम छोटी मोटी बीमारियां भी देखते हैं, क्योंकि ये छठे से छठा घर है। तो अब यहां प्राइमरली एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको लाभ भाव कहा गया है। लाभ भाव इसलिए कहा गया है प्राइमरली हम इससे इनकम देखते हैं। अब इनकम को लाभ भी कह देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम पैसा कमाते हैं वो खर्चा कहां हो रहा है उसका। अगर 11th हाउस का कनेक्शन सीधा सेकंड हाउस से हो जाए तो ये एक वेल्थ योग भी क्रिएट कर देता है, यानी कि हम जो पैसा कमा रहे हैं वो सीधा सेविंग में जा रहा है, या उसका मेजर पार्ट सेविंग्स में जा रहा है, यानी कि उससे कुछ एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं किसी भी फॉर्म में। और दोस्तों, हमारे चार्ट में चार तुष्टाना हाउसेज हैं, तीसरा, छठा, आठवां, बारहवां। तो अगर ये भाव तीसरे से कनेक्ट हो जाता है तो हमें अलग तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, छठे, आठवें, बारहवें से अलग तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज हम यही बताएंगे आपको कि जिन लोगों की इनकम में बरकत नहीं रहती या सेविंग्स नहीं रहती, उनका कहीं ना कहीं 11th हाउस का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा होता है, 11th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है, वो जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का लॉर्ड जाके तीसरे, छठे, आठवें या बारहवें घर में यदि बैठ जाए तो आपकी इनकम में बरकत नहीं रहती, आपकी इनकम का नुकसान किसी ना किसी फॉर्म में होता रहता है,
वो कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं? देखिए दोस्तों, अगर 11th हाउस का जो भी प्लैनेट बैठा है, अगर वहां कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो 11th हाउस का लॉर्ड अगर जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड सपोज शनि है, अगर हम एरीज असेंडेंट की बात कर रहे हैं तो शनि है, अगर शनि जिस नक्षत्र में बैठा है 11th हाउस में उसका लॉर्ड अगर तीसरे घर में जाके बैठ जाए तो आपका पैसा आपके छोटे भाई बहनों के काम आएगा, यानी कि ज्यादातर आपकी इनकम वहीं स्पेंड हो जाएगी। हो सकता है आप फैमिली में बड़े हों, छोटे भाई बहनों की आपको हेल्प करनी पड़े, आपका पैसा काफी भाग दौड़ में ट्रेवल्स में खर्च हो सकता है, आपका पैसा फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज में खर्च हो सकता है, आपका पैसा आपके कजन्स वगैरह उसका फायदा उठा सकते हैं, पर्टिकुलरली यंगर कजन्स यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली में, या कुछ आपके दोस्त वगैरह जो आपके पड़ोसी हों या दोस्त हों, किसी न किसी तरीके से आप ज्यादा अपना पैसा वहीं खर्च करोगे, क्योंकि ये सारा थर्ड हाउस का सिग्निफिकेंस है। और अगर 11th हाउस का लॉर्ड छठे में बैठ जाए या 11th हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड छठे में बैठ जाए, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। यानी कि 11वें घर का स्वामी एरीज असेंडेंट में शनि है, अगर शनिदेव छठे में बैठ जाए या 11th हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, सपोज 11th हाउस में बुध बैठा हुआ है, बुध जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, सपोज शतविशा नक्षत्र में बैठा हुआ है 11th हाउस में, शतविशा नक्षत्र का लॉर्ड है राहु, राहु छठे में बैठ जाए तो हमारा पैसा ज्यादातर लोन्स में जाएगा, लोन्स के इंटरेस्ट में जाएगा, डिस्प्यूट्स में जाएगा, लिटिगेशन में जा सकता है, कोर्ट केसेस में जा सकता है, या लोन की किश्तों में जा सकता है। कोई हम बड़ा लोन रेस कर सकते हैं, उसकी किस्तें देते देते हम सारी जिंदगी निकाल देंगे। तो हमारी इनकम का एक मेजर पार्ट का आउटफ्लो लोन्स में, लोन्स का इंटरेस्ट देने में, प्राइवेट फाइनेंस की बोरोइंग्स में हमारा जा सकता है, या डिस्प्यूट्स में जा सकता है। किसी डिस्प्यूट में हम फंस गए, कोई कोर्ट केस हो गया हम पे, अगर हम अपने बिजनेस में तो कोई भी एक्सीडेंट हो गया, किसी की अननेचुरल डेथ हो गई, उन्होंने हम पे केस कर दिया, अगर 7वां घर डिस्टर्ब है तो हो सकता है हमारी मैरिज में प्रॉब्लम आ गई, हमारे पार्टनर ने हम पे केस कर दिया, तो उस डिस्प्यूट्स में हमारा मेजर पार्ट ऑफ द इनकम जाता रहेगा। और अगर यही प्लेसमेंट 8वें घर में हो जाए, हम बार बार नहीं बोलेंगे, यही सेम प्लेसमेंट 8वें घर में हो जाए, यानी कि राहुदेव 8वें घर में बैठ जाए, अगर वहां पर कोई भी प्लैनेट शतभिषा नक्षत्र मिलता है वहां पर, हालांकि पूर्व भाद्रपद भी मिलता है, कई नक्षत्र मिलते हैं, तो अगर पूर्व भाद्रपद में है तो गुरुदेव अगर 8वें घर में आ जाए, या शतभिषा में राहुदेव 8वें घर में आ जाए, या शनिदेव खुद ही 8वें घर में बैठ जाए, तो फिर हमारे जो इनकम का मेजर पार्ट कुछ बीमारियों में निकलेगा, कुछ लंबी बीमारियों में निकलेगा, और हम अपनी हेल्थ में काफी पैसा खराब करेंगे। हमारा पैसा या कुछ ऑब्स्टेकल्स में भी फंस सकता है, किसी तरह के भी ऑब्स्टेकल्स में, बहुत ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आते हैं, वो हमें दूसरे हाउसेस बताएंगे किस तरह के ऑब्स्टेकल्स में फंस जाएगा, लेकिन अगर हम उसमें घुस गए तो फिर आपको ये भी समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बस इतना ही जान लीजिए कि वो पैसा कुछ हमारे ऑब्स्टेकल्स में खराब हो सकता है, कुछ हमारी लंबी बीमारियों में खराब हो सकता है, कुछ हमारे इन लॉज वगैरह में, खर्चे वगैरह में खराब हो सकता है, और कुछ हमारे कुछ ऐसी सीक्रेटिव एक्टिविटीज होंगी जिसमें वो खराब हो सकता है। सीक्रेटिव एक्टिविटी हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, यानी कि कहीं हमारे रिलेशनशिप्स में, हिडन रिलेशनशिप में, सेक्स में, सेंसुअलिटी में, एंजॉयमेंट में, प्लेजर्स में खराब हो सकता है। अगर यहां कोई बहुत ही बढ़िया प्लैनेट है तो फिर हमारा
स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियस एक्टिविटीज में खराब हो सकता है। तो हमारे यानी के पैसे को खराब होना निश्चय है। तो ये आठवें घर के फल इस तरीके से हमें मिलेंगे। अगर ग्यारहवें घर का लॉर्ड आठवें से कनेक्ट कर गया, या ग्यारहवें घर में जो प्लैनेट बैठा हुआ है जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र का लॉर्ड आठवें घर में बैठा, यानी कि कनेक्शन होना चाहिए। अब बारहवें घर का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। बारहवें घर में अगर हमारा ये सेम प्लेसमेंट हो जाए तो हमारे पैसे का खर्चा बहुत हो जाएगा, यानी कि हमारे खर्चे कभी कंट्रोल में ही नहीं रहेंगे। खर्चे किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो दूसरे घर बताएंगे, विच वी आर नॉट डिस्कसिंग एट प्रेजेंट, क्योंकि किसी भी डिस्कशन को जितना हम कॉम्प्लिकेट बनाएंगे उतना उसमें हम प्रेडिक्शंस में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे उनको। तो आप ये समझ लीजिए कि बारहवां घर लॉस का घर है, खर्चे का घर है, हॉस्पिटल का घर है, ट्रेवल्स का घर है, वॉन्डरिंग का घर है। तो अगर हमारा इलेवंथ हाउस ट्वेल्थ हाउस से कनेक्ट हो गया तो हमारी जो इनकम है उसका खर्चा बहुत ज्यादा रहेगा, खर्चे का प्रेशर हमेशा बना रहेगा, बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन में पैसा जा सकता है, ट्रैवलिंग में जा सकता है, और वॉन्डरिंग में, अननेसेसरी ट्रैवलिंग में जा सकता है, हमारी इनकम का एक मेजर पार्ट। तो दोस्तों ये चारों घरों में अगर इलेवंथ हाउस का रिलेशन बन जाए तो हमारी इनकम में बरकत नहीं रहती, हमारी इनकम खर्च होती रहती है, जो भी हम कमाते हैं खर्च हो जाता है। हाँ उसमें 10-5% हो सकता है हम कहीं सेविंग्स वगैरह उसकी कर लें अगर कुछ और प्लैनेट्स अच्छे बैठे हुए हैं तो, अदरवाइज यहां पर मेजर पार्ट ऑफ आर इनकम इज स्पेंट टू द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड, सिक्स, एट्थ और इलेवंथ हाउस। तो कोई भी पत्रिका जब आप देखो तो उसमें इलेवंथ हाउस में प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, या इलेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर वहां कोई प्लैनेट नहीं है तो फिर इलेवंथ हाउस का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जज, टू अराइव एट ए पर्टिकुलर कंक्लूजन कि इस आदमी की इनकम का मेजर आउटफ्लो कहां जा रहा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं यू हैव अंडरस्टूड द रियल इन डेप्थ मीनिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर्स ऑफ आर इनकम विच कैन बी नोन विद द माइक्रो लेवल एनालिसिस इन एनी चार्ट, एंड आपको मजा भी आएगा देखने में जब आप ये चीजें प्रेडिक्ट करोगे और सामना वाला कहेगा हाँ यार ये तो मेरी लाइफ में हो रहा है, तो इट विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन अबाउट योर प्रेडिक्शंस एंड एनालिसिस। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, दैट इज ए ओनली रिक्वेस्ट। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हम बहुत ही नॉमिनल फीस पे लोगों को अपनी पर्सनल कंसल्टेशंस भी देते हैं और उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव कराने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैव ए नाइस टाइम।